मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। कॉलेज का पहला दिन था, हड़बड़ाहट में मगन सुजॉय जाके टकरा गया कॉलेज के गैंग से। सुजॉय का सर सीधे अमन की छाती से टकराया और सुजॉय बिना उसके देखे आई एम सो सॉरी सर बोल के आगे बढ़ा। अबे ओए है कौन रे तू, जरा रुक, एक लड़के ने सुजॉय को बोला। सुजॉय अपनी ही धुन में था, वो सीधे चलता गया। वो लड़का सुजॉय के पीछे पीछे गया सुजॉय को रोकने और उसने सुजॉय का हाथ पकड़ा। सुजॉय ने हाथ झटक के एकदम से छुड़ा लिया। क्यों बे, सुनाई नहीं देता क्या, बहरा है क्या? सुजॉय ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और अपना हाथ छुड़ाकर वो बस खड़ा हुआ था। उस लड़के को गुस्सा चढ़ गया और उसने सुजॉय के कस के लात मार दी। सुजॉय डिसबैलेंस होकर ज़मीन पर गिर पड़ा, पर सुजॉय ने एक शब्द भी नहीं कहा। शमिता दौड़ी दौड़ी आई और बोली, रुक जाओ, दिमाग सही है तुम्हारा, क्यों मार रहे हो इसको? वो लड़का बोला, क्यों नहीं, इसमें बहुत अकड़ है, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा और जब पूछा तो भी नहीं बोल रहा। समिता बोली, अकल के दुश्मन, जब वो सुन ही नहीं पा रहा तुम्हें कि तुम क्या बोल रहे हो, बिना तुम्हारे लिप्स रीड किए वो कैसे आंसर देता? जब वो तुमसे नज़रें ही नहीं मिला रहा तो जवाब क्या देगा? समिता के सुजॉय के बारे में सच बताते ही वो लड़का जिसने सुजॉय के लात मारी थी उससे माफ़ी मांगने लगा और सॉरी बोल के पूरा गैंग ही वहाँ से गायब हो गया। सुजॉय जाके कैंटीन में बैठ गया, उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी, वो चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार था जिससे वो टकराया था। अमनदीप जो कि पंजाबी था पर पगड़ी नहीं लगाता था और हैंडसम होने की सारी हदें उसने पार कर रखी थीं। खुदा सबको सब कुछ नहीं देता पर अमनदीप में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सब कुछ दे दिया था उसे। यूं ही कॉलेज की लड़कियां पागल नहीं थीं उसके पीछे, उसमें कुछ तो खास था। सुजॉय अमन के बारे में सोच रहा था, वो खुद से बात कर रहा था मन में कि आखिर वो कौन है। सुजॉय पूरी तरह से बहरा नहीं था, बचपन में हुए एक इंसिडेंट की वजह से उसकी लगभग सुनने की शक्ति चली गई थी, पर मशीन लगाकर वो आसानी से सुन सकता था, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि उसे मशीन लगाना पसंद नहीं था। सुजॉय कैंटीन में बैठा था, अमन के ख्यालों में खोया। एक लड़का आया और फ्रूटी की बोतल सुजॉय के टेबल पर रख के चला गया। सुजॉय उससे कुछ कहता इससे पहले ही वो वहाँ से चला जा चुका था। सुजॉय ने बोतल उठाई तो उसके नीचे चिट थी जिस पे लिखा था, सुबह के लिए सॉरी। सुजॉय ने जल्दी से उस लड़के को ढूंढना चाहा पर वो तो जैसे हवा हो गया था और फ्रूटी की बोतल के सिरे को अपने होठों से लगाया। वो अमन के ख्यालों में था, उसे एक पल को लगा जैसे अमन खुद उसे जूस पिला रहा है, पर ख्याल तो ख्याल होते हैं, पल भर में ख्याल के बाहर था। सुजॉय को समिता ने ज्वाइन किया और बोली, तुम कब से फ्रूटी पीने लगे? सुजॉय ने उसे नोट दिखाया। समिता ने सुजॉय के कंधे से अपना कंधा टाइन लैंग्वेज में उससे कहा, वाह क्या बात है। सुजॉय ने भी साइन लैंग्वेज में कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। समिता बोली, मुझे ना बनाओ समझे? सुजॉय ने कहा, नहीं बना रहा हूँ, बस कह रहा हूँ। अच्छा वो चिट किसने दी है ज़रा बताओ तो। समिता ने चिट मांगी, सुजॉय ने दे दी। समिता राइटिंग में एक्सपर्ट थी, उसने उस राइटिंग को बारीकी से देखा और बोली, अब मैं ढूंढ के निकालूंगी उसे। पर सुजॉय जानता था कि ये कोई और नहीं अमन है जिससे वो सुबह में टकराया था। तभी दूर से अमन आता दिखा और सुजॉय की दिल की धड़कन बढ़ गई। समिता सुजॉय का लाल होता चेहरा देख रही थी। समिता ने कहा, क्या अमन है वो? सुजॉय शर्मा गया और बोला, नहीं पता नहीं। समिता ने फिर से साइन लैंग्वेज में कहा, तुम गे हो ये मैं जानती हूँ, फिर मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? सुजॉय बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, अगर शर्माता तो तुम्हें कभी नहीं बताता। समिता ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो उठ के वहाँ से चली गई। सुजॉय अपनी क्लासेस अटेंड करके कॉलेज के बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला
ऑटो खुद ब खुद उसके सामने आकर रुक गया। सुजॉय आगे हुआ तो ऑटो वाला उसका पीछा करते हुए चला आया और सुजॉय को कहने लगा, बैठ जाओ, आपको घर छोड़ना है। सुजॉय उसके लिप्स रीड कर रहा था और फिर सुजॉय बैठ गया। घर पहुंच के सुजॉय ने पैसे देने चाहे ऑटो वाले को, पर वो पैसे ले ही नहीं रहा था। ऑटो वाले ने कहा, आपका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सुजॉय अपने घर के अंदर गया। वो घर में घुसा और उसके चाचा ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसकी गर्दन को चूमा और उसे बाहों में भरते गए। उसकी टी शर्ट में जैसे ही हाथ डालने की कोशिश की उन्होंने, सुजॉय ने खुद को छुड़ाकर अलग कर लिया और अपने कमरे में चला गया। सुजॉय उदास था, बचपन से उसके चाचा उसको मॉलेस करते आ रहे थे। सुजॉय के माँ बाप नहीं थे, इसलिए अगर वो भागता या पुलिस में रिपोर्ट करता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था। पर अब सुजॉय बड़ा हो चुका था, इसलिए वो चाचा को ज़बरदस्ती नहीं करने देता था। सुजॉय अपने कमरे में उदास बैठा था। फिर अचानक अमन का ख्याल दिमाग में आ गया। सुजॉय ने ऐप भी ओपन किया और अमन को ढूंढने लगा। अमन को ऐप भी पे रिक्वेस्ट भेजी और अमन ने सुजॉय की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर सुजॉय ने लिख के भेजा हाय और अमन और सुजॉय के बीच चैटिंग होने लगी। नंबर एक्सचेंज हो गए, पर दोनों ही जानते थे कि कॉल पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि सुजॉय तो सुन ही नहीं सकता बिना मशीन के। बातें यूं ही हो रही थीं, कुछ खास नहीं था उनमें। अगले दिन जब सुजॉय कॉलेज गया तो वो अमन को ढूंढ रहा था और अमन कहीं दिख नहीं रहा था। सुजॉय कैंटीन में गया, जाके टेबल पे बैठा, एक जूस की बॉटल ली। पंकज आया और बोला, तुम ठीक हो ना? सुजॉय बोला, तुम? पंकज ने बताया, हाय, मैं ही हूँ वो जिसने कल तुमसे एफबी पर बात की थी और हमने काफ़ी देर चैट की और फिर नंबर एक्सचेंज किए थे। मैंने तुम्हारे लिए ऑटो भी भेजा था, याद है? सुजॉय शॉक में था। उसे लग रहा था कि ये सब अमन कर रहा है, पर ये तो पंकज था, अमन का खास दोस्त। सुजॉय का दिल उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसने तो अमन को चाहा था, पर पंकज कहाँ से आ गया? सुजॉय अपनी टेबल से उठा और वापस क्लास रूम में चला गया। उसके बाद सुजॉय अकेले ही रहा, क्योंकि पंकज वही इंसान था जिसने फर्स्ट डे सुजॉय के लात मारी थी, और सुजॉय एग्रेसिव लोगों से दूर रहना पसंद करता था। पर पंकज सुजॉय का दिल जीतने की कोशिश में लगा हुआ था। माना पंकज से सुजॉय प्यार नहीं करता था, प्यार तो वो अमन से भी नहीं करता था, बस वो अमन की तरफ खिंचाव था। सुजॉय पंकज की कोशिशों को देख रहा था। पंकज हर पल सुजॉय का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था। सुजॉय पहले तो इग्नोर कर रहा था शुरुआत के कुछ महीनों में, पर आखिर कब तक भागता? और इतनी कोशिश अगर कोई आपके लिए करे और इतनी हिम्मत दिखाए तो आप कैसे मना कर सकते हैं? धीरे धीरे सुजॉय और पंकज करीब आने लगे, दोस्ती का पहला स्टेप लिया और दोनों दोस्त बने। कुछ समय बाद कॉलेज से पिकनिक जाने का डिसीज़न हुआ और शिमला जाने के लिए सबको तैयार किया गया। सुजॉय भी जाना चाहता था, पर उसके चाचा ने उसको जाने नहीं दिया। वो अपनी ही धुन में थे कि अगर सुजॉय नहीं जाएगा शिमला तो शायद वो सुजॉय पे काबू पा सकेंगे, पर सुजॉय भी अपनी जिद का पक्का था। सुजॉय ने शिमला जाने का फैसला तो कर लिया, पर बात आई अब शिमला जाने की ट्रिप के पैसे कहाँ से दे। उसने चाचा की अलमारी से कुछ पैसे चुराने का सोचा। जब चाचा घर पे नहीं थे तो उसने उस वक्त अलमारी में से पैसे निकाले और उन पैसों को अपने बैग में छुपा लिया। शाम को जब चाचा लौट कर आए तो उन्होंने सुजॉय के साथ खाना खाया और एक बार फिर सुजॉय को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, पर सुजॉय ने खुद को छुड़ा लिया और सुजॉय ने उनको धमकी भी दी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो वो पुलिस में शिकायत कर देगा। अगली सुबह सुजॉय पिकनिक के लिए निकल पड़ा। कॉलेज पहुंचा, वहां से बस में बैठा। सुजॉय और सारे कॉलेज के दोस्त सभी पिकनिक पे थे। सुजॉय अकेले सीट पर बैठा हुआ था कि तभी पंकज उसके पास आके उस सीट पर बैठ गया। सुजॉय उससे बातें कर रहा था उसके लिप्स को रीड करते हुए, और फिर पंकज ने सुजॉय का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। सुजॉय ने अपना सिर पंकज के कंधे पर रख दिया और यूं ही सफ़र कटने लगा। कुछ घंटों के बाद वो शिमला में थे और फिर रूम अलॉट किए गए। सुजॉय को पंकज के साथ रूम अलॉट हुआ जिसमें अमन भी रह रहा था। सुजॉय थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था अमन के होने की वजह से, क्योंकि एक वक्त था जब उसने अमन को भी चाहा था। सुजॉय और पंकज की दोस्ती अमन को काफ़ी पसंद आ रही थी।
अमन सुजॉय के बारे में सब जानता था और साथ ही पंकज के बारे में। अमन भी गे था, उसने भी कभी किसी से प्यार किया था, इसलिए वो जानता था कि प्यार का दर्द कैसा होता है। इसीलिए वो सुजॉय और पंकज की मदद कर रहा था ताकि वो साथ आ सकें, और धीरे धीरे करके पंकज और सुजॉय एक दूसरे से घुलने मिलने काफ़ी अच्छे से लगे थे। बर्फबारी हो रही थी, सुजॉय और पंकज बाहर बर्फ में खेलने निकले। दोनों एक दूसरे पर स्नोबॉल्स के गोले बना के फेंक रहे थे, बर्फ में खेल रहे थे। बड़ा ही प्यारा लग रहा था दोनों को यूं साथ में देखते। सुजॉय ने हिम्मत की और पंकज को अपने चाचा का सच बताया। पंकज ये सच जानकर हैरान हो गया, फिर उसने सुजॉय से कहा, अगर तुम चाहो तो हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पर सुजॉय ने मना कर दिया। सुजॉय ने कहा, आज तक मुझे उन्होंने ही पाला है, बहुत सारी ज़रूरतें भी पूरी की हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इस पर पंकज सुजॉय से नाराज़ हो गया और उसने कहा, अगर तुम आज अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो तो फिर कल तुम कैसे भला किसी और के लिए खड़े होगे। सुजॉय बोला, किसी और के लिए तब खड़ा होऊंगा जब कोई और मेरा होगा, पर जब कोई और मेरा है ही नहीं तो भला मैं किसके लिए खड़ा हूँ। और जिस इंसान से मुझे उम्मीदें हैं, होप हैं, वो शायद ही कभी मुझे समझे। पंकज ने कहा, तुम्हें किससे उम्मीद है और तुम्हें किससे होप है। सुजॉय खामोश था, उसके दिल में अभी भी अमन के लिए प्यार था, पर पंकज तो सुजॉय को चाहने लगा था। पंकज ने सुजॉय को बताया कि अमन का भी एक बॉयफ्रेंड था जो कि अमन का फ़ायदा उठाता था। वो हमेशा अमन से पैसे ऐंठा करता था कोई ना कोई बहाना बनाकर। पर अमन धीरे धीरे उसका सच समझने लगा और फिर वो अपने लिए खड़ा हुआ और उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। ऐसे ही तुम्हें भी करना होगा, अपने लिए खड़े हो, अपने चाचा की गिरफ्त से निकलो और इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना के जीना सीखो सुजॉय। पंकज और सुजॉय कमरे में वापस आ गए। पंकज को नहाने जाना था तो पंकज नहाने चला गया। जब वो नहा के टॉवल लगा के निकला और शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था तो पहली बार सुजॉय ने पंकज के लिए अपने दिल में कुछ महसूस किया और वो बस पंकज को देखता ही रह गया। पंकज जानता था कि सुजॉय उसे देख रहा है और पंकज चाहता भी था कि सुजॉय उसे कम से कम एक बार तो नोटिस करे, क्योंकि पंकज उससे बेहद प्यार करने लगा था। पर सुजॉय, उसको तो शायद उससे प्यार था ही नहीं, वो तो सिर्फ अमन को चाहता था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।